कसराव क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बारिश रुकने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार की पोल भी खुलने लगी है। हम इस वक्त खड़े हैं ग्राम पंचायत सहायता में और आप मेरे पीछे देख रहे हो कि पिछले दिनों जो नर्मदा का प्रकोप था, नर्मदा का जो खतरनाक रूप था, रौद्र रूप था, उसने नर्मदा तट पर रहने वाले जो रहवासी हैं उनको किस तरीके से पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया है। उनके घर पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। तो यहाँ के जो क्षेत्र के निवासी हैं उनका एक ही कहना है कि वक्त रहते प्रशासन ने हमें सचेत नहीं किया, क्योंकि पानी की जो गति थी इतनी तेज़ गति से पानी आया कि हम अपने घरों से सामान भी नहीं निकाल पाए और हमारा कीमती सामान बह गया। यदि समय रहते प्रशासन जाग जाता और हमें वक्त रहते बाहर निकाल देता तो कम से कम हमारा नुकसान नहीं होता। इसी तरीके से इस क्षेत्र के कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से जब बाढ़ आई तो उनके ऊपर क्या बीत रहा था और कैसे उनका जीवन बच पाया। कसरावत नगर को वाटर सप्लाई करने के लिए नर्मदा तट ग्राम नावड़ा टोड़ी पर वाटर इंटेक का निर्माण किया गया था, जिसका कार्य रेयान वाटर इंटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था, जिसकी लागत लगभग 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पिछले दिनों नर्मदा में आई बाढ़ से इंटेक का रैंप पूरी तरह से गिर गया। करोड़ों की लागत से बना रैंप एक बाढ़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। यही एकमात्र व्यवस्था थी जो कसरावत नगर की 30,000 जनसंख्या को जल प्रदाय करती थी। वहां की व्यवस्था को देखकर लगता है कि कसरावत को अभी 2 से 3 दिन और पानी के लिए तरसना होगा। इतनी बारिश के बाद भी कसरावत नगर वासियों के कंठ सूखे ही रहेंगे। वहीं बाढ़ प्रभावित ग्राम सहायता पहुंचने पर लोगों का प्रशासन के प्रति आक्रोश दिखाई दिया। बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि यदि समय रहते हमें सचेत कर दिया जाता तो हमारा नुकसान नहीं होता। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमसे मिलने नहीं आ रहा। भोजन के पैकेट आते हैं, वह भी रात के 2 बजे। हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। दुख की इस घड़ी में कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जिस तरीके से आपको पता है कि आप नर्मदा के तट पर रहते हैं तो क्या आपको जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से पानी आ सकता है? किसी ने जानकारी भी नहीं दी, हमको पता ही नहीं था कि इस तरह एकदम से पानी आ जाएगा। खाना बनाते बनाते आसपास पानी पानी हो गया और इतने इतने पानी में से हम निकल गए। पूरा सामान, गोदरेज, पलंग, फ्रिज, कूलर, जो बच्चों के कपड़े थे, नए कपड़े थे, पुराने, सब बह गए। और बिस्तर वगैरह कहीं भी नहीं, सब खत्म हो गया। खाना का तक सामान ही बचा, कहीं भी नहीं बचा। शासन ने भी कोई मदद की आपकी? किसी मदद करी पर 2 बजे 3 बजे रात को खाने को देते हैं। बच्चे तो सो जाते हैं, भूखे मरते हैं। रात में आते हैं कि लो खाना ले लो, 2 बजे 3 बजे रात को आते हैं। अच्छा, शहर से कोई दूसरे लोगों ने मदद करी आपकी? नहीं, किसी ने नहीं मदद करी। कोई सब हास हास के जाते हैं, बस कोई मदद नहीं करता, देख देख के चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे परेशान है, भूखे है, सुबह के भूखे है खाने वाने के लिए। आप 2 बजे रात को खाना देंगे तो क्या होगा हमारा? क्या नाम है आपका? यशोदा वर्मा। मेरे पीछे जो देख रहे हैं, वाटर सप्लाई के लिए जो इसका ठेका रेयान कंपनी को दिया गया था, जो लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाया था, जो पहली ही बारिश में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और इस बाढ़ की जो नर्मदा है उसने इस भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है कि किस तरीके से जो है 18 करोड़ का की लागत से बना हुआ जो वाटर पंप है वो एक बाढ़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक जब पहली बाढ़ ही जोरदार जो तेज बारिश हुई और तेज बाढ़ है नर्मदा में, उस बाढ़ में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और पानी में गिर गया है। तो उस बात को भी प्रशासन को देखना होगा कि क्या ये जो जनता की गाड़ी कमाई 18 करोड़ रुपए जिस तरीके से भुगतान कर दिया गया था और उसके बाद वो पहली ही बाढ़ में पूरी तरह से ध्वस्त और क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले 2 दिनों से निमाड़ में भारी वर्षा हो रही है, शायद काफ़ी समय के बाद इतनी खतरनाक बारिश देखी गई जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। उसी तरीके से नगर परिषद के लिए भी काम काफ़ी बढ़ गया है, पेयजल से लेकर के, और कुछ शिकायतें आ रही है दीवार गिरने की। अभी आप हम देख रहे हैं कि आप जल प्रदाय पर खड़े हैं और प्रशासनिक रूप से कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? पिछले दिनों भारी बारिश के कारण नर्मदा जी में जो बाढ़ आई उससे हमारा पेयजल सिस्टम पूर्ण रूप से चरमरा गया है और कसरावत नगर को जो वाटर सप्लाई करने वाली हमारी बिजली की लाइनें हैं, हमारे ट्रांसफार्मर जलमग्न होने के कारण ट्रांसफार्मर बंद हो चुके हैं और उसी का परिणाम है कि हम कसरावत नगर को पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ लगी है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में हमारी पूरी नगर परिषद की टीम लगी है, लेकिन प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की ओर से अभी तक किसी ने आकर इसका जायजा नहीं लिया है। जब तक विद्युत मंडल की ओर से बिजली सुचारू रूप से हमको यहाँ सप्लाई नहीं की जाएगी तब तक कसरावत नगर को
पानी उपलब्ध करवा पाना असंभव है। और जो रियान और टाटा के द्वारा यहाँ पेयजल के रैंप का निर्माण किया गया था वो भी पूर्ण रूप से बह चुका है। ऐसा लगता है कि प्रशासन भ्रष्टाचार में आकंट डूबकर रियान को 18 करोड़ की योजना थी, 14 करोड़ रुपए उनको भुगतान हो चुका है, उसके बाद भी आज तक कसरावत नगर को एक नए पैसे का उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी अभी तक किसी ने भी आकर प्रशासन ने इसका न तो जायजा लिया है न आकर इसको देखा है। नगर परिषद की टीम लगातार इसकी मेहनत करके नगर को सुचारू रूप से पेयजल कैसा मिले इस तरफ नगर परिषद लगातार प्रयासरत है और नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ पानी की व्यवस्था को सुचारू करने के हिसाब से लगातार लगी हुई है। ऐसा कब तक लगता है कि कब तक हो जाएगी ऐसा? हमारा पूरा काम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पर डिपेंड है। जब तक बिजली सुचारू रूप से यहाँ चालू नहीं होगी तब तक पानी सप्लाई कब तक कसरावत नगर में हो जाएगा ये कह पाना असंभव है, क्योंकि वास्तव में इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो बिजली है और बिजली जब तक उपलब्ध नहीं होगी तब तक पानी दे पाना असंभव है। और भी किस तरीके की परेशानी आ रही है कार्य के दौरान आपको? यहाँ पूरा हमारे जो हमारा वाटर पंप का हमारा बिजली का जो रूम है जहाँ हमारे स्टार्टर हैं जहाँ हमारी केबलें हैं उसमें पूरा कीचड़ भर चुका है। उसको धोकर साफ करके हमारे जो स्टार्टर हैं उनमें ऑयल पूरा बदलने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कसरावत नगर में पेयजल की व्यवस्था हो, क्योंकि लगातार आज चौथा दिन पांचवा दिन है जब नगर में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है और उसका मूल कारण है जब तक बिजली सुचारू कहीं पोल गिरे हुए हैं तार टूटे हुए हैं जब तक बिजली की व्यवस्था सुचारू नहीं होगी तब तक पानी दे पाना असंभव। अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है टैंकर वगैरह? टैंकरों से हम पानी सप्लाई करने की जो हमारे पास पानी उपलब्ध था उसे टैंकरों से देने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन टैंकर भरने की व्यवस्था भी जब तक नर्मदा जी का जल नर्मदा जी की लाइन चालू नहीं होती तब तक टैंकर भरने में भी बहुत भारी असुविधा हो रही है। इस वक्त हम खड़े हैं कसरावत वाटर सप्लाई के लिए जहां से पूरी कसरावत को वाटर सप्लाई होता है और हमने देखा पिछले दो दिनों तक जिस तरीके से नर्मदा का रौद्र रूप था उसने सब कुछ इस क्षेत्र का उजाड़ के रख दिया, लेकिन इसी बीच में जो माँ नर्मदा ने विकराल रूप दिखाया था एक ऐसे भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। देखिए हमारे पीछे आप जा देख रहे हैं कि इस जगह ये जो यहाँ से कसरावत पूरे कसरावत को पानी सप्लाई किया जाता है लगभग 30,000 कंठ अब पानी के लिए सूखे हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों से यहाँ पर पानी सप्लाई नहीं किया जा सका है, क्योंकि पानी सप्लाई के लिए जो वाटर पंप और जो कैनाल बने थे वो पूरी तरीके से टूट गई है। और अभी हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि लगभग 2 से 3 दिन फिर लगेंगे क्योंकि पूरी पाइपलाइन और बिजली सप्लाई भी अवरुद्ध है। तो देखना यह है कि अभी तो बिजली सप्लाई के अलावा जिस तरीके से हम जो रेलिंग से टूट गए हैं और उसको सुधारने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो देखना है कि कसरावत के 30,000 कंठ तक पानी कब तक पहुंचता है। कैमरामैन अबरार पठान के साथ आकिल खान, SW न्यूज, कसरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।